गुरुजी द्वारा बोले गए 105 वचन जो कि हमें किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं से ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती जो कि गुरुजी के द्वारा बोले गए कुछ साधारण रूप से कही गई कुछ बातें अगर हम अपने जीवन में इसे ग्रहण करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पहला वचन, गुरुजी सदैव अपनी दिव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वचन दूसरा, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दैव्य शक्ति नहीं है। वचन तीन, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। वचन चार, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वह मेरे सामने किसी काम की नहीं है। वचन पांच, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। वचन छः, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। वचन सात, अगर किसी घर में मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ। वचन आठ, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना ही पाठ करना होता है। वचन नौ, सबसे बड़ा पाठ वह है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपने संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। वचन दस, गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं की कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। वचन ग्यारह, गुरुजी रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। मैंने कहा मैनू तुआडे विच नज़र आंदा है। गुरुजी तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा मुझे आप में नज़र आते हैं और गुरुजी मुस्कुरा दिए। वचन बारह, भगवान से प्रेम करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है और मंडल रचा है। संसद रचना भगवान का ही तो है, अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। वचन तेरह, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं, वह मैं हूँ। मात एक सद्गुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब का शुक्राना ना करे। वचन चौदह, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। वचन पंद्रह, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी हानि हो सकती है। मैंने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। वचन सोलह, अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो वह तो क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। वचन सत्रह,
गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि घरों के शोपीस या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर प्लेट की तरह। वचन 18। जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाते हो, जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नकारात्मा भी आपको दे रहा हो। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी इतनी सामर्थ नहीं कि करोड़ों की पेंटिंग्स खरीद सकूं, तो गुरुजी ने कहा, ओ मैं सामान्य बात कर रहा हूं। वचन 19। अगर कोई दूर है और आप मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, तो वह मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। वचन 20। गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे।